अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आविदा इदरीसी। ये मैंने दो तरीके की दाल ली हुई है, 1/2 कप अरहर की दाल और 1/2 कप मटर की दाल। और दोनों दालों को अच्छी तरह मिक्स करके मैंने धो लिया हुआ है। दोनों को पूरा करने के बाद वो 1/2 कप दाल होगी। और उसके बाद इसे मैंने रात में ही भिगा दिया था कम से कम 15-16 घंटे के लिए। अभी देखिए अच्छी तरह फूल चुकी है। अब इसके लिए लेंगे हम एक मिक्सी का जार। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। और ये ना एकदम बारीक हो ना ही एकदम दरदरा हो, थोड़ा सा दरदरा टाइप ही रहे। और इसमें डालेंगे 4 मिर्ची और 8 से 10 लहसुन। इसमें डालेंगे पानी और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए फाइनली मेरा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी और इसी में डालेंगे नमक। तो नमक हल्दी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वो अब इस पेस्ट को तैयार करके हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और देखिए रेडी हो चुका है। इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कितना डाला है वो मैं बता रही हूँ। ये देखिए 1/4 चम्मच है। तो इस चम्मच से मैंने 1 बार हल्दी ली थी और 3 बार नमक लिया हुआ था। और आप चाहे तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें पानी कितना डाल के उसका पेस्ट तैयार की थी, तो मैंने 1/4 कप पानी लिया हुआ था 30 ml, जो कि आप पानी उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसका पेस्ट तैयार करें। मैंने आपको एक बार में ही डाल के बताया था। देख सकते हैं आप चम्मच में 1/4 लिखा हुआ है कप और 30 ml है। तो और आप इसे फेटे तो खूब अच्छी तरह फेट के रख दें। और इसको तैयार करने के लिए मैंने तेल लिया हुआ है रिफाइंड। आप चाहे तो इसे सरसों तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और अब चलिए मैं गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख लेती हूँ। आप चाहे नॉनस्टिक ले चाहे कोई भी ले। और जब तेल गर्म हो जाए तो हम आप चाहे तो इसे चम्मच से भी कर सकते हैं, जो जबकि आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच से कर रही हूँ। और हाथ से करेंगे तो और बेस्ट रहेगा। और जब तेल गर्म हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में रखें और इसे धीरे धीरे होने दें, ताकि अगर आप इसे तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ऊपर का जो लेयर है वो है पहले ही लाल हो जाएगा और अंदर वाला सॉफ्ट नहीं होगा। तो आप इसे लो से मीडियम के बीच में ही आप इसे फ्राई करें। तो देखिए मसाला से हमारी कितनी अच्छी भजिया बन के तैयार हुई है। और इसे आप चाहे ग्रीन चटनी के साथ और चाहे तो टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। दोनों से ही काफ़ी बेस्ट लगता है, लेकिन ग्रीन चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अरहर और मटर दाल की भजिया जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और काफ़ी सॉफ्ट बनती है। तो देखिए मैं एक भजिया आप लोग को तोड़ के भी बताती हूँ कि ये कितनी अंदर से सॉफ्ट है और काफ़ी मुलायम है। इसे मैं तोड़ के भी बताती हूँ, एकदम रुए के फाये के जैसे दिखेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़। बाय।